ए गोपी, तेरी एसपी की यूनिफॉर्म कहाँ है? गुलगुले, तू मुझे थप्पड़ मार। ये क्या कह रहा है यार तू गोपी? मैं तुझे थप्पड़ कैसे मार सकता हूँ? गोपी, नहीं यार गोपी, तू मुझसे बड़ा है और तू मेरा दोस्त भी है, मैं तुझे थप्पड़ नहीं मार सकता। ओके। लेकिन बिल्लू कौन? बिल्लू बाबा, 21 का प्रसाद चढ़ाओगे 11 का? ये शॉल किसने डाला है? हाँ भैया, मुझे थप्पड़ मार। नहीं भैया, मैं आपको थप्पड़ नहीं मार सकता, आप मेरे बड़े भाई हैं। कोई बात नहीं, आप लोग थप्पड़ मत मारो। मैडम देखिए ना गोपी क्या कर रही है, हमसे कह रहा है कि हम इसे थप्पड़ मारे। उन्होंने हमने मना किया तो खुद अपने आप को मार रहे हैं। बहुत सही कर रहा। अपने बुजुर्ग जो है बाप से, अपने बूढ़े आदमी से झूठ बोलते हुए एक बार नहीं सोचा इस आदमी ने, सोचा के बीतेगी उनके दिल पे सोची तेने? Not at all is the, इंदौर में खुल गया है नया मॉल is the। घटिया, कितना घटिया, ढीठ आदमी से अभी भी जो है माल और लखनऊ इस दा कर रहा, बल्कि अंकल जी को वहां पता लग गई है इसकी झूठ सारी। हाँ, एक पल के लिए सोच ले, मतलब कुछ जरा नहीं सोची अपने बाप के संग यो करने से पहले। अभी भी कह रही हूँ वक्त है, अभी भी जाके बदला ले उन लोगों से जिन्होंने पूरे भरे बाजार थारे बाप के सामने थारी इज्जत का कचरा करा है। हमसे कह रहे थे कि ऐसे डरपोक बेटा होने से अच्छा हम बे औलाद होते। प्लीज सर। सर क्या, सर के चुप रहने से क्या हो जाएगा भैया? सच्चाई तो छुपनी जाएगी ना सर, अगर चुप भी हो गए तो भी ये सच्चाई नहीं छुपने वाली कि आप एक नंबर के कायर, बुजदिल, भोंदू, खोखले और चूहा टाइप के आदमी है। Wow. गोपी, अब भी वक्त है, जिंदगी हर किसी को ना बार बार मौके ना देती। तेने मौका मिला है, जा दिखा दे कि तू डरपोक ना है। जा दिखा दे अपनी बहादुरी। मॉम, आपको तो पता ही है मैं सिर्फ लंबी लंबी छोड़ सकता हूँ जी। मैं तो आज तक चींटी नहीं मारी जी, सिर्फ हसीना को सीटी मारी है जी। मैं उसका मुकाबला कैसे करूंगा जी? हाँ, शाबाश शाबाश मारे शेर, शाबाश। ये थारा बाप थारे डैडी, तेने माफ कर भी देना, मैं तेने कभी माफ ना करूंगी। डरपोक छे। भैया हाँ? एक बात हमारे समझ में नहीं आ रही है। क्या? कि अगर वो नया एसपी एसपी नहीं है तो जिसने आपको डंडा मारा वो कौन है? भैया, उस चिट्ठी में भी लिखा था कि आपको डंडा मारने वाला शहर का नया एसपी है। यह हम सोच रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि वो ससुरा एसपी ही रहा और हमसे बचने के खातिर अपने आप को कह गया कि हम हवलदार हूँ, गाना गाऊंगा कान से और दुश्मन जाएगा जान से। टिंग। ये हो सकता है भैया कि इस बात में दम हो, पप्पू अकेला है, गप्पू थकेला है। भैया, एक तो बात हम बता रहे हैं, आप उसका इतना इंसल्ट कर दिए हैं कि वापस आप पर हमला करने का हिम्मत नहीं ना करेगा वो। ऊ तो है। हाँ भैया। अरे अरे अरे, क्या मारा ससुरा? अरे पत्थर, अरे ईंट मार के गया, पकड़ा उसका ससुरा के नाती का। ये क्या हो? अरे क्या है ये, क्या हुआ? अरे रुका, का कोई नहीं मिला भैया, बहुत जोर से लगी है। चुप, काली का इसमें। पढ़ो पढ़ो पढ़ो। अरे रुको, तो चुप करोगे तो पढ़ी। ए, तुमको क्या लगा कि मैं तुम्हें इतनी आसानी करी? अरी दर्द हो रहा है, बहुत जोर से लगी। ठीक हो जाएगा, पढ़ो पढ़ो। आसानी से माफ कर दूंगा, जो गुनाह किया है मैं उसकी सजा तुम्हें ऐसे ही देता रहूंगा। शहर का नया एसपी
छोड़ो। इसका मतलब हमारा शक सही निकला, उस ससुरा एसपी ही है जो बचे खातिर अपने आप को हवलदार हूँ बोल के भाग गया। अब हम गाना गाऊंगा कान से और दुश्मन जाएगा जान से। टिंग। क्या क्यों सूख गया सांप? मैडम भैया के डैडी ने पीना छोड़ दिया। हाय हाय। खाना भी। ये तो बहुत बुरा हुआ। हाँ मैडम, मतलब भाभी ने कितना अच्छा खाना बना के रखा था उनके सामने, पकोड़ी, कचौड़ी, पराठा, राजमा, छोला, लस्सी, लेकिन उन्होंने कुछ भी नहीं खाया, सब गुलगुले जी को खाना पड़ा। तने शर्म ना आती तो अंकल जी का खाना खा गया तू? अरे मैडम आप बिना एक नंबर की बोली हैं। हाय हाय। मैडम इतना अनाज को बर्बाद होते हुए मैं कैसे देख सकता हूँ मैडम, इसलिए मजबूरन खाना पड़ा। हाँ मैडम, अंकल सच में बहुत दुखी थे, बार बार बस एक बात ही बोले जा रहे थे कि लगता है सरकारी अस्पताल में बच्चा बदल गया है और किसी डरपोक का बच्चा मेरे हाथ से लग गया है। मैंने नमस्ते पुलिस वालो। ओहो, तू फिर आ गया। मैडम मैं झुन्नू घबला घमंड फ्रॉम झारखंड, हमारा तो काम ही है आना जाना, चिट्ठियां लाना, बैंजो बजा दूंगा तबले से। सुन ले, यहाँ पर टेंशन का तंबू तना हुआ है, तू निकल ले फालतू है। मैडम ये तंबू और टेंशन वाली बात से मुझे एक शेर याद आ गया। इरशाद इरशाद इरशाद। हाँ हाँ। टेंशन का तंबू कुछ इस तरीके का तना, टेंशन का तंबू कुछ इस तरीके का तना, कि अब ना जीने की तमन्ना है ना मरने का खौफ, द नंबर यू आर ट्राइंग इज स्विच्ड ऑफ। अरे क्या बात है, वाह 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 वाह, क्या फोन भरा शेर मारा। इसी बात पर मैं भी एक सुनाऊंगा फोन वाला, एक एक कि ये इश्क नहीं आसान बस इतना समझ लीजिए, ये इश्क नहीं आसान बस इतना समझ लीजिए, जो नंबर आपने डायल किया कृपया उसे दोबारा जांच लीजिए। मुकर्रर मुकर्रर मुकर्रर, इसमें एक शेर मेरा भी बनता है। हसीनाओं के जलवे हसीनाओं की अदाएं, हसीनाओं के जलवे हसीनाओं की अदाएं, नंबर डायल करने से पहले कृपया दो दवाएं। जनवरी के बाद आवे फरवरी मार्च अप्रैल में जून, जनवरी के बाद आवे फरवरी मार्च अप्रैल में जून, इस वक्त हमारे हाथों से होने वाले हैं तीन खून। मुआफी मैडम, मुआफी मुआफी प्लीज मैडम, मैं आगे से कभी शेर तो क्या मैं गधा भी नहीं सुनाऊंगा। हाँ मैडम मुझे भी, मैं हटना यार, नहीं नहीं मैडम मुझे भी माफ कर दीजिए मैडम, मेरी तो अभी शादी भी नहीं हुई है, कोई गर्लफ्रेंड भी नहीं है मेरी। मैडम मुझे भी बहुत सारी चिट्ठियां बांटना है, गलती हो गई, ये आपके लिए एसपी की चिट्ठी लाया हूँ मैं। ये तू सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस हिमांशु के? मैडम मैं चलूं बैंजो बजा दूंगा तबले से? नहीं नहीं अभी तो बैठो हमारे साथ, एक मुशायरा है, निकल यहाँ से। नए एसपी, तू क्या समझता है कि तू यो कहेगा कि तू हवलदार है और हम बेवकूफ बन जाएंगे? अब देख तुझे कैसे तोड़ता हूँ मैं, भैया रस्तोगी। मैडम मैडम कहाँ जा रही हैं आप? भैया रस्तोगी की एक एक हड्डी तोड़ने और गोपी की इंसल्ट का बदला लेने। एक्सक्यूज मी, वन मोमेंट प्लीज, उस भैया रस्तोगी से मैं मुकाबला करूंगा। घर तोड़ ना दी मैंने उसकी हड्डी पसली इसदा, तो मैं अपने बाप की औलाद नहीं असली इज्जत। तू यो सब रहने दे, क्यों अंकल जी के जाने से पहले जो है ऑफ होके काम बढ़ाना चाह रहा है हमारे लिए? तीन दिन बचे, डैडी चले जाएंगे, बात आई गई हो जाएगी।
वैसे भी आप कहाँ है कोई इतना इज्जत को लेके बड़ा आप हंगामा पीट रहे हो? वैसे कौन सा बड़ा रोज रेडियो पे नाम आ रहा था आपका? ये सही है, चलो झाड़ू वाड़ू लगाओ, अपना अखबार पढ़ो, चलो भूल जाओ सब। नो मॉम, आप मुझे एक चांस जरूर दीजिए, ये मेरे लिए बहुत जरूरी है। अगर इतना ही अग्निपथ का बच्चन साहब जाग रहा है मन में तो ठीक है। सर ने एक बार मन ने कही थी कि वो अपने गांव में छठे हुए लठबाज थे। hey, hey! सर से कहो कि 3 दिन में गोपी को माहिर कर दे लठबाजी में। hey! शुरू करो और कहते चलो। हम किसी काम के नहीं हैं, हम किसी लायक नहीं हैं, हम यूजलेस हैं, हम किसी काम के नहीं हैं, हम किसी लायक नहीं हैं, हम यूजलेस हैं। क्यों करें तने क्यों करें? तू नेता का बेटा लग रहा है या अभिनेता का? नहीं मैडम, ना ही नेता का ना अभिनेता का, मैं मेरी मम्मी का बेटा हूँ अमीनाबाद में। हाँ हम तो अपनी मौसी के लौंडे बैठे हैं यहाँ सारे। अच्छा बेटा मैं क्या कह रही हूँ, खिनगी थोड़ी बड़ी होनी चाहिए। हम आई समझ में, गृह प्रवेश बाकी है। देखे, 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 देखे। मम्मी आप प्लीज शांत रहिए अमीनाबाद में। अरे ऐसे कैसे शांत रहूँ मैं, कान खोल के सुन ले तू। आई समझ में, घर खुला और बड़ा हवादार होना चाहिए। आई समझ में। एक मिनट मैडम, मुझे लगता है कि इन्हें लग रहा है कि हम यहाँ पर कॉन्ट्रैक्टर हैं और ये अपने घर बनाने का काम हमें देने आए हैं। देखिए सर, हम इतने भी गए गुजरे नहीं हैं, हम थोड़े तो इंटेलिजेंट हैं, हमारे पास दिमाग है। यो! हमें पता है कि ये पुलिस स्टेशन है और आप लोग पुलिस वाले हो अमीनाबाद में। तो ये सब बातें करके क्या हमें फिर यहाँ पे तपाने के लिए आए हो? है सुबह सुबह हमारे साथ मजाक करने के लिए कोई मिला नहीं क्या? अच्छा बेटा मैं यहाँ कह रही हूँ, घर में जो दरवाजे है ना, हाँ, वो जयपुर से भंगवा के लगवाइयो। हाँ, गृह प्रवेश बाकी। दोनों भाई दोनों क्यों आए हो? मैडम हमें FIR लिखवानी है अमीनाबाद में। मैं सब समझ गया मैडम, ये केस मेरे दांतों और आईने की तरह साफ है मैडम, मुझे पता है क्या हुआ है मैडम। इन लोगों ने अपना घर बनाना था तो इन लोगों ने एक कॉन्ट्रैक्टर को कॉन्ट्रैक्ट दिया घर बनाने के लिए। कॉन्ट्रैक्टर ने काम आधा छोड़ दिया और पूरा घर नहीं बनाया, इसलिए ये लोग यहाँ पर उस कॉन्ट्रैक्टर के खिलाफ FIR लिखवाने आए हैं। करेक्ट? Well, एक कॉन्ट्रैक्टर से है मेरी जान पहचान इसदा, वो ऐसे अटके हुए बनाता है मकान इसदा है। हाँ, उसे कॉन्ट्रैक्ट दे दे और अपना कमीशन खींच ले तू। Well. अच्छा बेटा मैं क्या कह रही हूँ, तू फर्श जो है वो संगमरमर का ही बनवाइयो, वो भी इटली से मंगवा के। आई समझ में? हाँ मम्मी सब कुछ करवाएंगे, आप प्लीज शांत रहे, पहले ये लोग हमारी FIR तो लिखें। आपका नाम? रजनी द्विवेदी अमीनाबाद में। ओह, तुम्हारा नाम रजनी द्विवेदी तो तुम्हारे डैडी का क्या? सजनी द्विवेदी। अरे बिटिया, इसके नैनी तो कब के डैडी आ गए, मतलब निकल लिए। अच्छा सुन, मैं क्या कह रही हूँ बेटा, घर में पुताई जो है ना पीले रंग की करवाइयो, है मेरा फेवरेट है। गृह प्रवेश बाकी है। मैडम मुझे है ना चिंटू चोटी के खिलाफ FIR लिखवानी है। दरअसल बात यह है मैडम कि मेरे पिताजी ने एक जमीन खरीदी थी अमीनाबाद में मेरी माँ के लिए, इनके सपनों का महल बनवाना चाहते थे। तो मैडम ये जो चिंटू चोटी है ना, ये बड़ा बदमाश है, उसने कब्जा कर लिया है हमारी जमीन पे। और जब भी हम उसे मनाने जाते हैं कि प्लीज भैया ये हमारा प्लॉट है, हाँ छोड़ दीजिए, हमें इसमें माँ के लिए सपनों का महल बनवाना है, तो वो मुझे पीट देते हैं और वहां से भगा देते हैं। तो मैडम प्लीज आप कुछ कीजिए अमीनाबाद में। अच्छा मैं क्या कह रही हूँ बेटा, हॉल में ना मैं एकदम डिफरेंट कलर करवाऊंगी, गुलाबी रंग मेरा फेवरेट। आई समझ में? देखा मैडम क्या हाल बना के रखा है, कुछ लेती भी नहीं, मतलब मैंने इतनी दवाइयां दी लेकिन कोई असर होता ही नहीं इनपे।
समय की वजह से ये पगला गई है मैडम। प्लीज मैडम प्लीज, वो प्लॉट है ना, वो जमीन हमें दिलवा दीजिए, वरना ये मेरी मम्मी जो है ना वो और पगला जाएगी। मैडम प्लीज कुछ कीजिए और वो प्लॉट है ना वो हमें दिलवाइए अमीनाबाद में। बुलवाओ जरा कौन है यो चिंटू चोटी, बांधो उसकी चोटी में रिबन। चलो चलो चलो, चल जोड़ो। यस बॉस। मैडम बोल। मैडम आपने हमें यहाँ बुलाया पॉलिटिक्स के प्लास्टर से, टिंग टोंग। तू भाई चिंटू चोटी है जिसने इस बेचारे के जो है फादर की जमीन पर कब्जा कर रखा? जी हाँ मैडम, मैं ही हूँ वो चिंटू चोटी, पॉलिटिक्स के प्लास्टर से, टिंग टोंग। वो जमीन सीधी तरह खाली कर वरना जिंदगी की जमीन से सांसों का प्लास्टर उखाड़ दूंगी मैं। अच्छा तो ठीक है मैडम, नहीं करता खाली, कहिए क्या करना है। पॉलिटिक्स के प्लास्टर से, टिंग टोंग। परशुराम सबके हाथों में हथकड़ी पहना के इन्हें अरेस्ट कर। उससे क्या होगा मैडम, क्या होगा उससे? इधर आप मुझे हथकड़ी पहनाएंगी और उधर मेरा वकील यहाँ आके मेरी जमानत करा देगा। मत भूलिए कि मैं नेताजी का साला हूँ। पॉलिटिक्स के प्लास्टर से, टिंग टोंग। कहाँ है वकील? एक मिनट, एक मिनट मैडम। मैडम माइसेल्फ सुरेंदर, एडवोकेट सुरेंदर, कानून का धुरंधर, रहता हूं भाईंदर। अपील अफलातून है, आप ये लीजिए इनके जमानत के पेपर्स, इन सब की। अब आप इन्हें इस चौकी में एक मिनट से ज्यादा नहीं रख सकती क्योंकि अपील अफलातून है। हाय हाय। देख लिया मैडम, देख लिया आपने मेरा पॉलिटिकल कनेक्शन। एक बात याद रखिए मैडम, चिंटू चोटी नाम है मेरा, नेताजी का साला हूं मैं। वो जमीन तो क्या, उस जमीन का एक इंच भी आप मुझसे नहीं हथिया सकती। पॉलिटिक्स के प्लास्टर से, टिंग टोंग। चलो वकील। अपील अफलातू। चल रहा। चूटी काटी है मैडम किसी ने भीड़ में। मैडम ये तो ये था वो चिंटू चोटी। कानून के आगे हमारे हाथ बंधे हुए हैं, वरना मैं इन्हें दिखाती कि औकात पे आऊं तो मैं क्या कर सके हूं। मैडम अब मेरी जमीन कब खाली होगी अमीनाबाद में? होगी और जरूर होगी। तू मन ने सोचने का जरा वक्त दे क्योंकि यो जो टीम खड़ी है ना हमारी, यो तो निकम्मी है निकम्मी। ठीक है मैडम। हम मैं घनी चिड़ी हुई हूँ। किससे? मैडम आप भी ना एक नंबर भूली। आउट। चलो गेट लॉस्ट प्लीज। चाय कौन पिएगा? मुझे तो कोई जहर दे दे, जहर। इतना बुरा लग रहा है ना मुझे आज कि मैं बता नहीं सकता। आज हम लोगों को ये कहना पड़ गया कि हम लोग किसी काम के नहीं है, हम लोग किसी लायक नहीं है, हम लोग यूजलेस हैं, गधे हैं हम। अगर ये बात सिर्फ भैया आपके लिए होती ना तो और बात थी। खैर छोड़ो। क्यों छोड़े? तुम्हारा कहने का मतलब मैं गधा हूँ? जाना है भैया डिटेल में। चलो छोड़ो यार, जब तुम लोग यही करते रहो बस। यार एक बार को ये सोच लो कि आप मैडम के सामने ये कैसे साबित करें कि जिन तीन लोगों को वो उबला चावल समझ रही है वो उबला चावल नहीं जाफरानी पुलाव है। मैं बताऊं? हाँ बता। गुलगुले जी हम चल के उस चिंटू चोटी की चोटी काट लेते हैं, मतलब हम चल के उससे वो जमीन खाली करवा लेते हैं ना। Well, वो है बहुत खतरनाक गुंडा इज्दा, मैं हूँ हसीनाओं की गली का मुंडा इज्दा। भैया वो आंटियां हैं।
मैं वापिस जा रहा हूँ यार। नहीं, नहीं, एक मिनट यार, तुम लोग फिर से शुरू हो गए। वो भी ये सही कह रहा है। अरे वो गुंडा है तो क्या हुआ, हम भी पुलिस है यार, वर्दी पहनी है हमने। चल के उसका बैंड बजा देते हैं, अब चाहे वो नेताजी का साला ही क्यों ना हो। अरे अगर वो नेताजी का साला है तो मैं भी कमिश्नर का साला हूँ। चलिए चलो। For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.